हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रीतम डिफेंस क्लासेस। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ SSC MTS के ऑल शिफ्ट की सारी क्वेश्चंस और डिटेल्ड सॉल्यूशंस। यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, नई नई नौकरी को इन्फॉर्मेशन मिलती है और जितने भी नई नई वैकेंसी आती है उसकी तैयारी भी कराई जाती है। चलिए दोस्तों देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो कि तीनों शिफ्ट मिला के मैंने बनाया है। पहला क्वेश्चन आया था गिर नेशनल पार्क, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। गुजरात सतपुड़ा नेशनल पार्क, इसके बारे में डिटेल सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, एक्स्ट्रा जानकारी भी है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में मदद करेगी। सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वह सम्मान 2018 किसे दिया गया था? लीलाधर जगूड़ी को। और वह सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। लीला जगूड़ी को काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए यह सम्मान दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता था? राफेल नडल। ए ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंग। किस्तवाड़ राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। छठा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शासक मुगल वंश से संबंधित नहीं है? ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सभी मुगल वंश के संस्थापक का जो मुगल वंश मुगल एम्परेरर हैं उनको याद कर लेना होगा। पहला है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपना चेक करके देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन था करेक्ट। उसके बाद आया था क्वेश्चन, हिमा दास को किस नाम से जाना जाता है? ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार का मकबरा और टॉम्ब कहाँ था? तो दिल्ली मेहरौली में था। विटामिन सी किससे संबंधित है? विटामिन सी से संबंधित एक प्रश्न आया था जो कि और टोटल जानकारी यहाँ पर मैं लिख के दे दिया हूँ। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाती है। इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे और इसके प्रति विटामिन सी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है ना। आपको तीनों कारण पता होना चाहिए, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप टिक लगा के आए होंगे। पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी? अन्ना राजम मल्होत्रा थी। आप लूसेंट के ये सब फर्स्ट महिला ये देख सकते हैं कौन क्या थी। भारत में दो बार उपराष्ट्रपति कौन रह चुके हैं? हामिद अंसारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 12 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है? जनरल बिपिन रावत है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन थे? शशि थरूर, जो कि बहुत जाने माने पॉलिटिशियन भी हैं, रह चुके हैं। आत्महत्या के तरीके से कहा जाता है सुसाइडल बैग, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में लाइसिज़म को कहा जाता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल था। सूर्यकांड झील कहाँ पे? फरीदाबाद हरियाणा में है। विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा था? मेलबोर्न में। ये तीनों शिफ्ट मिला के क्वेश्चन है दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैं कल और आगे चलने वाली सभी शिफ्टों की क्वेश्चन लाता रहूं डेली। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों वीडियो को। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ये पक्षी का भी नाम है हॉर्नबिल, उसी के नाम से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। GST काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उसके बाद बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। गुरजीत कौर किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। जितना भी प्लेयर हैं फेमस प्लेयर उनके भी नाम देख लीजिएगा दोस्तों आप लोग। साइलेंट क्राई पुस्तक के लेखक कौन थे? ये केंजा बुरो ओ जो कि जापान से रिलेटेड है। वो थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1925 में कानपुर में की गई थी। गोवा का लोक नृत्य कौन सा? फोक डांस। भी सभी देख लीजिएगा दोस्तों। और इंपॉर्टेंट डे से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। गोवा का लोक नृत्य फागुड़ी है। यहाँ पे गोल गुंबज कहाँ पे? बीजापुर में। गन मेटल किसका मिश्रण होता है? गन मेटल जो धातु होता है उसमें किसका मिश्रण होता है? तो तांबा तीन जस्ता ये तीनों का मिक्सचर होता है, जिसमें कि हम लोग इंग्लिश में कॉपर टीन और जिंक बोलते हैं। भारतीय संविधान में रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। यहाँ पे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का बैटल हुआ था, जो कि प्रथम बैटल था। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये पूर्व नेवी चीफ जो कि वाइस चीफ थे सुशील कुमार, उनके द्वारा लिखा गया। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रकूटों के दौरान कौन से मंदिर बनाई गई थी? ये देखिए, ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया, कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा में बनाया गया था इसे। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? नीलगिरी, जो कि इसका स्थापना की गई थी 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन है? पोर्टेवेला, जो कि सब जानते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा दोस्तों, रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो मैं कल सभी चीज़ की वीडियो बनाऊँगा। मेरे पास इंग्लिश की भी वीडियो है जो कि मैं कल अपलोड कर दूँगा। राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? हैदराबाद में है।
पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, जिसमें पहला पहला 1526 को हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। यूटीआई बैंक का नया नाम क्या हो गया था, जो 2007 में बदल दिया गया था? बढ़ती का नाम जिंदगी उसका टैगलाइन है। एक्सिस बैंक का दोस्तों आप लोग पहचान सकते हैं। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश का। पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। स्थापना 1975 में, 1993 में टाइगर रिजर्व इसको घोषित कर दिया गया था। दोस्तों भवी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 40वां नंबर क्वेश्चन, गुजरात राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान का फोक डांस घूमर भी है, इसे भी हम लोग एक्स्ट्रा में जानकारी लेकर चलेंगे, जो कि आगे आने वाले शिफ्टों में हेल्प हो सकती है एक्स्ट्रा रिमार्क्स क्वेश्चन के। बिकमिंग पुस्तक के ऑथर कौन थे? मिशेल ओबामा, जो कि बहुत चर्चा में रहा था कुछ दिनों से पहले, ये बिकमिंग पुस्तक के ऑथर के बारे में, जो कि मिशेल ओबामा है। नीलकंठ पक्षी किसने कितने राज्यों के राजकीय पक्षी? कर्नाटक, ओडिशा एंड तेलंगाना। तीन राज्यों के राजकीय पक्षी एक ही है नीलकंठ पक्षी, जिसको के जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज कर्नाटक का हो सकता है पूछा हो आप लोग के सेफ्ट में, तो आगे ओडिशा तेलंगाना का भी पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा के, तो यही आंसर होगा नीलकंठ पक्षी। आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी है रामाचिलुका। तो दोस्तों आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई पद्म भूषण 1966 में मिला था। विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक हैं। चंद्रयान 2 का लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? योही सासाकावा को मिला था। एक मिनट दोस्तों, 2018 का शांति पुरस्कार किसे मिला है? योही सासाकावा। नीली क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर हीरालाल और अरुण कृष्णन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहली भारतीय महिला जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया था आरती शाह था, और जो मेल थे पहले भारतीय वो मिहिर सेन थे, याद कर लीजिएगा दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है सभी शिफ्टों में, तो कोई टेंशन लेने की दरकार नहीं है। बिंदास होकर एग्जाम देने जाएँ और फुल में फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं जीके में। ज़्यादा भी टफ क्वेश्चन नहीं था, मॉडरेट टू ईजी लेवल का क्वेश्चन था। भारत में मानक समय रेखा कहाँ पे है? जो कि मिर्ज़ापुर में। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को तोता कहा जाता है भारत का, जो कि मुगल एम्परर था, मुगल एम्परर के समय में था। और फिर तानसेन भी एक म्यूजिशियन था, जो कि मुगल एम्परर के समय में था। 100 मीटर के रेस इटली गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दूती चंद थी, 11:32 में, जो कि एक्स्ट्रा जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि कल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाय द वे, धर्म जाति जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 16-17 भी आप देख सकते हैं, जो कि नो डिस्क्रिपेंसी आर्टिकल 16 में रिलेटेड है, उसे भी देख लीजिएगा। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बुक्स इंपॉर्टेंट है आपका, बुक्स एंड ऑथर इंपॉर्टेंट है, फिर जाके आपका एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे सभी चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे खदानों का विस्फोट के रूप में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? मीथेन गैस इस्तेमाल होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? सिराजुद्दौला बने थे अलीवर्दी खान के बाद। और एक आमिर खुसरो भी थे, जो कि अकबर के नाना बने थे। 2018 में कौन सा शहर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ? जयपुर राजस्थान में 37वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि इसको लास्ट में 37वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट लास्ट है, जो कि इसे शामिल किया गया था 2018 में। 2017 में भारतीय GDP कृषि का कितना परसेंट योगदान होता है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कितना परसेंट योगदान होता है? तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 53.66% होता है, जो कि 17% ले लेता है हम लोग का। और 31% औद्योगिक है, 17% एग्रीकल्चर है। सेवा क्षेत्र जो सर्विस एरिया जो है कवर करता है सर्विस फील्ड का 53.66, और औद्योगिक क्षेत्र योगदान करता है जो 31% योगदान देता है दोस्तों। तो इस वीडियो कृपया बहुत सारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह डिफेंस से रिलेटेड भी जानकारी यहाँ पर सभी चीज़ की दी जाती है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल के वीडियो के लिए भी ऑल शिफ्ट के वीडियो कल भी आएगी, और कल मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश और जितने भी रीजनिंग और मैथ के भी हैं मैथ के भी वीडियो मैं अपलोड कर सकूँ। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। कल भी मैं MTS के तीनों शिफ्ट के हॉल शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, और आप लोग का सपोर्ट बनता रहा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।